परम सत्कारयोग साध संगत जी अपनी अपनी रसना नु पवित्र कर लिए ते एक बार आख लिए धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। साध संगत जी, अज दी साखी दा विशा है साध संगत दी सेवा दा उदाहरण। एक बारी बहुत दूर तो कुछ संगत गुरु दा दर्शन करन अमृतसर आ रही सी। पिपली साहिब थकेवे अते अंधेरे करके रुक गई। किसे होर सिख ने आ के सतगुरु जी नु दास दिता। सच्चे पातशाह जी ने उसे वक्त कड़ा प्रसाद ते दाला प्रसाद तैयार करवाया ते बिना किसे होर सेवकां दे माता गंगा जी नु नाल लेके लंगर आप चुक के पैदल पिपली स्थान ते पुज गए। उचरा नु काफी रात गुजर चुकी सी। सच्चे पातशाह जी ने सारे शरीरां नु जो थकेवे कारण सौ गए सन जगाया ते बड़े प्रेम नाल प्रसादियां उत्ते प्रसाद वरताया। सब संगत इस वक्त प्रसादा मिलन ते छकन ते बहुत प्रसन्न होए। पर धन सतगुरु अर्जन देव जी ते माता गंगा, प्रसादा छकन उपरंत गुरु जी सिखा नू ते माता जी माइया नू मुठियां भरनियां शुरू कर दित्तियां ते कुछ चिर आराम करन तो बाद संगत दे नाल ही सतगुरु जी अमृतसर सरोवर ते आ गए। सरोवर तो इशनान पान करके सारे दर्शक कहन लगे कि इत्थे जोड़िया पास कौन रहेगा। गुरु जी ने वचन किया, गुरमुखो तुसी दर्शन मेला कराओ, मैं जोड़िया कोल रहांगा। माता जी महला नू चले गए ते गुरु जी जोड़िया कोल खलो गए। जद संगत ने दीवान स्थान ते वेख्या ता आसन खाली सी। निकटवर्ती सेवक भी श्री गुरु जी का बड़ी तीव्रता नाल इंतजार कर रहे सन। किसी सेवक ने दस्या कि गुरु जी तरकाली पिपली साहब लंगर लेके गए सन, पता नहीं उतो रात वापस आए सन या नहीं। यह गल सुन के नवे दर्शकों विचों एक ने दस्या कि एक साध असी अपने जोड़िया पास खिलार आए हाँ। सेवक झट उत्थे पहुंचे अते जाके बेनती की, पाशा साध संगत उत्ते दर्शनां लई उड़ीक रही है। सच्चे पाशा बचन किता, मैं भी साध संगत दी सेवा वास्ते इत्थे खलोता हाँ। उस सेवक नू उत्ते खलार के जद गुरु सतगुरु सच्चे पाशा आके अपने आसन ते सुशोभित होए ता नवे दर्शक ता हैरान ही रह गए कि ता सारी राह साडी सेवा करदे रहे ते फिर इन्हां नू असी जोड़िया पास खड़ा कर आए सां। सारे दर्शक गल विच पल्ले पा के हाथ जोड़ गुरु जी अगे खीमा याचना वास्ते खलो गए अते पाशा बड़ी प्रसन्नता नाल उन्हां नू खीमा बख्शी अते बचन किता कि सेवक ता हमेशा संगत दी सेवा करया करदे हन, पर मैनू सेवा करन दा कदे कदे ही मौका मिलदा है। सत श्री अकाल।